हमारे साथ हैं आईपी सिंह, जूही सिंह और विवेक तिवारी हमारे संवाददाता लखनऊ से। विवेक, जो गठबंधन की तैयारियां हैं वो किस मुकाम तक पहुंची हैं, सीटों को लेकर बात कहां तक पहुंची है, ये कवायद अब क्या अंतिम चरण में है? विवेक तक आवाज शायद अभी नहीं पहुंच रही, हम जानेंगे कि क्या ताजा अपडेट है इस गठबंधन को लेकर। लेकिन गठबंधन पर चर्चा करते हैं, हमारे साथ आईपी सिंह और जूही सिंह हैं। जूही सिंह जी, गठबंधन की ही बात से जुड़ी हुई ये बात है, मुलायम सिंह के बारे में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चेहरा उनका, काम हमारा, लेकिन चेहरा तो साथ देने के लिए तैयार ही नहीं है। देखिए, जब हमने 1 जनवरी का अधिवेशन अपना बुलाया था तब भी हमने माननीय नेताजी को अपना संरक्षक, अपना अभिभावक माना था और चुना था। उनका आशीर्वाद मिले तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन हम कोशिश करते रहेंगे। उस अधिवेशन में निर्णय यही था कि जो हमारे नेतृत्व पे प्रश्न चिन्ह लग रहा था कि हम 2017 किसके नेतृत्व में लड़ेंगे, वो हम क्लियर करना चाहते थे। और हमने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को चुना। तो नेताजी हमेशा हमारे अभिभावक रहेंगे, अगर वो ना भी आशीर्वाद दें तो हम मांगते रहेंगे। क्या ये गठबंधन में किसी तरह की हर्डल की बात थी जिसके कारण मुलायम सिंह यादव अलग से ही सब कुछ देख रहे हैं, जब गठबंधन क्लियर हो जाएगा तब वो फिर वापस आ जाएंगे कैरियर पर बैठने के लिए? ये तो नेताजी बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने हमेशा ये चाहा है कि समान सोच की पार्टियां जो साथ उत्तर प्रदेश के विकास के लिए सकारात्मक काम करने के लिए तैयार हो, उनके साथ हम मिलकर चुनाव लड़ें। और ये बात उन्होंने 6 महीना पहले एक पब्लिक प्लेटफॉर्म से भी कही थी। हमारी कोशिश यही है कि बहुत सारी पार्टियाँ साथ आएँ और एक सकारात्मक विकास उत्तर प्रदेश में हो, इसके लिए कोशिश है भी। बाकी हर पार्टी जो गठबंधन करती है उसमें बहुत सारे निर्णय होते हैं जो नेतृत्व को लेने होते हैं, वो निर्णय लिए जा रहे होंगे। क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा जिस पर हम काम करेंगे, उस पर भी चर्चा हो रही होगी। आशा है कि जल्दी ही सारी तस्वीर साफ हो जाएगी और आपके सामने माननीय मुख्यमंत्री खुद इस बात का ऐलान करेंगे। ये कहावत है कि जब विकल्पों की तरफ हम जाते हैं तो जाहिर है कि अपना कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लूज कर रहे होते हैं। समाजवादी पार्टी की शायद यही स्थिति है, वो लोगों को भरमा रही है और कहीं इसी में खुद पार्टी ही भ्रम में न पड़ जाए, ये बड़ा सवाल है पार्टी के लिए। अगर गठबंधन करना होता है तो हमेशा ये सोचकर कि हम कमजोर हैं गठबंधन नहीं किया जाता है। अन्य पार्टियां भी गठबंधन पे काम कर रही हैं और अभी भी गठबंधन में हैं बहुत सारी पार्टियों से। तो अगर गठबंधन होना होगा तो इस बात पे नहीं रुकेगा कि समाजवादी पार्टी का कॉन्फिडेंस कम है या किसी और पार्टी की हैसियत कम है। ये एक सकारात्मक नहीं, सवाल बहुत सारे हैं। देखिए जूही जी, राम गोपाल यादव जो अभी मुखिया बने हुए हैं, सब कुछ करता धरता बने हुए हैं सारी चीजों के, उन्होंने ही बिहार का महागठबंधन तोड़ा था और यह भी बातें आई थी कि प्रेशर था मुलायम सिंह यादव पर केंद्र से। तो बहुत सारी चीजें एक साथ घालमेल हो रही हैं। आज वही रामगोपाल यादव महागठबंधन के लिए तैयार कैसे हो रही हैं? ये कई सवाल है, हम लौटेंगे आपके पास। आईपी सिंह प्रोफेसर साहब का आप में जी, आईपी सिंह देखिए, समाजवादी पार्टी खुद इतनी तैयार हो रही है, अखिलेश यादव का कद इतना ऊंचा कर दिया गया पार्टी के अंदर ही, और अब वो गठबंधन भी बना रहे हैं तो बहुत बड़ी मुश्किल होगी बीजेपी के लिए। कहीं ये बिहार वाला इतिहास न दोहराया जाए यूपी में। देखिए, 2012 से लेकर 2017 के बीच भारतीय जनता पार्टी ने इतनी लंबी लाइन खींच दी है कि समाजवादी पार्टी वहां तक उस लाइन को छू नहीं सकती है। यही एकमात्र कारण था कि जब आम लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें समाजवादी पार्टी परिवार तक सीमित हो गई और बसपा जो है शून्य पर आउट हो गई थी, राष्ट्रीय लोक दल भी शून्य पर आउट हो गया था। तो ये गठबंधन बनाने की जो कवायद है, उस कवायद में अगर देखा जाए कांग्रेस को, तो जितने भी सर्वे आते हैं 8-9 सीटें कांग्रेस को मिलती हुई दिख रही हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि अगर प्रिंसिपल अपोनेंट पार्टी के रूप में समाजवादी पार्टी लड़ती है तो उनके साथ 10-5 सीटें कांग्रेस जीतकर 70-80 सीटें समाजवादी पार्टी गठबंधन को मिल सकता है। लेकिन यह साफ हो चुका है कि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उत्तर प्रदेश की जनता 15 साल के कुशासन के साथ होने का दावा कर रहे हैं। उधर आपके जो विपक्षी हैं वो रीयूनाइट हो रहे हैं, उधर अपनी पार्टी को उन्होंने इतना आगे बढ़ाया, ऊपर से अब गठबंधन के लिए तैयार हो रहे हैं और यहाँ बीजेपी में आग लगी हुई है। टिकटों का जब से आपने ऐलान किया है उसके बाद से लगातार हंगामा हो रहा है, विरोध हो रहा है, अमित शाह के पुतले फूंके जा रहे हैं। हम लौटेंगे इस बात पर। विवेक, गठबंधन की तैयारियों की कवायद किस मुकाम तक पहुंची है और सीटों को लेकर जो पेच फंसा हुआ था वो कितना क्लियर हुआ है?
देखिए गठबंधन होगा ये बिल्कुल तय है। आज मुख्यमंत्री से कुछ पत्रकारों से मुलाकात हुई थी, हम लोग भी उसमें थे। अनौपचारिक तौर पर उन्होंने ये कहा गठबंधन होगा, एक दो दिनों में फाइनलाइज कर लिया जाएगा। कांग्रेस की तरफ से खबर आ रही, गुलाम नबी आजाद ने आधिकारिक तौर पर कह दिया है कि गठबंधन हो चुका है, तो ये बड़ी बात है। कांग्रेस की तरफ से अभी तक किसी ने आधिकारिक तौर पर ये बातें नहीं कही थी जो गुलाम नबी आजाद ने आज कही हैं। शीला दीक्षित ने कह दिया कि वो चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के तौर पर अपने आप को वापस ले रही हैं, उनकी डिमांड 90 से 125 सीटों की है, तो गठबंधन तो होगा और तकरीबन हो गया है, इसकी सिर्फ औपचारिक घोषणा अखिलेश यादव की तरफ से होनी बाकी है। गठबंधन बिल्कुल होगा ये बिल्कुल तय है। अब सीटें कितनी मिलती हैं, 80 से 85 या 90 सीटों के आसपास कांग्रेस को मिल सकती है, आरएलडी को 20 से 25 सीटें मिल सकती हैं, एक या दो दिन बहुत कल शाम तक ये बिल्कुल तय हो जाएगा, इसकी औपचारिक घोषणा हो जाएगी। औपचारिक घोषणा होनी भर बाकी है, बाकी सारी चीजें फाइनलाइज कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, राहुल गांधी, अजय चौधरी ये तीनों संपर्क में हैं, कुछ छोटे दल भी हैं जिनको कुछ कुछ सीटें दी जाएंगी, तो गठबंधन होगा ये बिल्कुल तय है जी। आप रहिए हमारे साथ, हम बताते हैं।